फ्रेंड आपको बताना है कि मैंने अपने चैनल का नाम मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग से बदल के अम्मा की बागवानी कर दिया है। मेरे बच्चों की इच्छा थी, मेरे पोते पोती मुझको अम्मा कहते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि अम्मा की बागवानी ही रखिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मेरे गुड़हल के 6 प्लांट हैं और 6 कलर के 6 कैटेगरी के हैं। और इनको जो है हम 15 दिन पहले मैंने प्रून कर दिया था, जनवरी के लास्ट में 25 तारीख को मैंने इनको प्रून कर दिया था। जैसा आपको दिख रहा होगा कि इनमें अब नई पत्तियां आने लगी हैं, तो आज मैं इनमें वो ज़रूरी काम करूंगी और आपसे शेयर करूंगी कि जिसके करने से इसमें मेरे मार्च से खूब बढ़िया फ्लावरिंग होने लगेगी। ये मेरे बहुत अच्छे अच्छे कैटेगरी के हैं। ये 4 तो बड़े वाले हैं और ये 2 हैं मिनिएचर वैरायटी के, एक पिंक है एक वाइट है। तो 6 प्लांट पे मेरे पास पहले 9 प्लांट थे, लेकिन 2 प्लांट मेरे बिल्कुल ख़राब होके सूख के ख़राब हो गए। और ये दोनों प्लांट भी, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट भी उसी राह पर थे, लेकिन इनको समय रहते मैंने बचा लिया। इसका वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था। ये दोनों प्लांट मेरे बच गए, लेकिन 2 तो ख़राब हो गए, बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। अब उनको लाना है मुझे। एक पिंक कलर का था, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग उसमें होती थी, वो मुझे बहुत प्यारा लगता था, लेकिन वो ख़राब हो गया। तो आज मैं अपने इन प्लांट्स में वो ज़रूरी काम करूँगी कि जिससे कि मेरे खूब फ्लावरिंग हो। उनको जब पोषण मिलेगा तभी इनमें फ्लावरिंग होगी, क्योंकि अब तक तो मेरे प्लांट डोरमेंसी पीरियड में थे, सो रहे थे। अब ये जगे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फूड की आवश्यकता है। तो इनको देखिए, बारिश हुई थी तो मिट्टी अंदर तक गीली थी, तो मैंने इनकी गुड़ाई करके ऐसे ही छोड़ दिया था। अब आज मैं इनमें क्या करूँगी। अगर 2 साल से ज़्यादा एक पॉट में लगा हुआ प्लांट है तो उसको आप रिपोर्ट करें, ज़रूर करें। और अगर 2 साल के बाद का है तो आप उसमें ये वाली प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं। पहला काम इनकी प्रूनिंग करना था, तो प्रूनिंग मैंने 15 दिन पहले ही कर दिया था। और इसमें इनमें देखिए ग्रोथ भी आ गई है। अब इनमें हम क्या करेंगे, इनकी 3-4 इंच की मिट्टी किनारे किनारे से निकाल लेंगे, खुरपे की मदद से या जो भी टूल्स आप यूज करते हों उनकी मदद से इनकी मिट्टी को निकाल लीजिए इस तरह से किनारे किनारे की। कम से कम 2 इंच मिट्टी ज़रूर निकालिए। ये देखिए जड़ें भी दिखने लगी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये जड़ें खुल जाएंगी तो ये जल्दी पोषण को अपने में एब्जॉर्ब करेंगी, तो मेरा प्लांट जल्दी हेल्दी होगा। इस तरह देखिए इसके सब जड़ें खुल गई हैं। देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं लाई हूँ, देखिए क्या क्या लाई हूँ डालने के लिए। ये है पत्तियों की खाद और गोबर की खूब सड़ी हुई खाद, 1 साल पुरानी। मैंने सुबह ही इसको धूप में डाल के खूब बढ़िया सुखा लिया है। ये देखिए खूब ढेर सारी खाद मैंने सुखा लिया है और एक में मिक्स कर दिया है दोनों को। और गोबर की खाद 1 हो गई, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, गोबर की खाद तो सबसे गुणकारी होती है, सब कुछ होता है। और लीव मोड में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और ये है नीम की खली। नीम खली अब की जब मैं ऑनलाइन या और दुकान से मंगाती हूँ तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मिलता है, लेकिन अब की मुझे इस तरह से टुकड़ों में मिली है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये तो इसको मैंने थोड़ा कूट के छोटा छोटा कर लिया है। कोई बात नहीं, मिट्टी में रहेगी, पानी डलते डलते ये घुल जाएगी। तो नीम की खली से मेरे प्लांट में किसी प्रकार की बीमारी, जड़ों में इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, चींटियां नहीं आएंगी, इसको मैं मिलाऊंगी। उसके बाद ये चाय की पत्ती लाई हूँ, ये यूज्ड टी लीव्स है, इसको मैंने
खूब बढ़िया धुल के चार पांच पानी और सुखा लिया है। और ये राख लाई हूँ, राख में भी खूब अच्छी मात्रा में पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस होता है। चाय की पत्ती डालने से मेरा मिट्टी एसिडिक होगी तो इसका पीएच मान बैलेंस होगा। लाई हूँ ग्रेन्यूल फार्म में मेरे पास है ये सीबीड, ये सीबीड के दाने हैं, इनको मैं एक एक चम्मच डालूंगी। इतनी चीज मैं डालूंगी तो सबसे पहले मैं इनमें ये दो चम्मच के बराबर नीम की खली डालूंगी कि ये जड़ों के पास रह के उसको प्रोटेक्ट करें। उसके बाद मैं दो मुट्ठी ये गोबर की खाद और कोई दो मुट्ठी ही थंब रूल नहीं है जितने में मेरा ये भर जाए, बस मैंने भर दिया। अब इसमें एक चम्मच के बराबर मैं ये टी लीव्स जो लाई हूँ सुखा के इसको डालूंगी। फिर थोड़ी सी मैं इसमें नीम खली डालूंगी और एक चम्मच के बराबर मैं इसमें राख डालूंगी। फिर थोड़ी सी गोबर की खाद से इसको ढक दूंगी और उसके बाद जो मैंने इसमें से ये मिट्टी निकाली है ये मिट्टी मैं ऊपर से दबा दूंगी। खाद डालने के बाद गमले को कभी खाद को छोड़े ना खुला, क्योंकि वो फिर उसके सारे तत्व, ज़्यादा धूप लगेगी तो सारे तत्व उसके निष्प्रभावी हो जाएंगे। और इस तरह से हम ऊपर से मिट्टी डाल के और भर देंगे, दबा देंगे। ये मैं जो ये ग्रेन्यूल लाई हूँ इसको डाल दूंगी एक चम्मच। फ्रेंड मैं डालना भूल गई थी तो मैं आपके सामने दोबारा डाल रही हूँ। इस तरह से डाल के और मिट्टी से इसको खूब बढ़िया ढक दें। और इस समय धूप अब अच्छी खासी हो गई है, दिन में टेम्परेचर 18 20 22 तक चला जा रहा है। आज तो 22 गया था दोपहर में मेरे यहाँ का टेम्परेचर। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। अब इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगी। इस डिब्बे में बनाना पील मैंने भिगो के 3 दिन पहले रख दिया था, अभी मेरी फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गई है। ये देखिए बनाना पील। अब इसको मैं ये मेरा बकेट में 5 लीटर पानी है और इसको 1 लीटर में एक मग निकाल के इस 5 लीटर पानी में मिक्स करूंगी। देखिए मेरी फर्टिलाइजर कितनी बढ़िया तैयार हुई है। ये मग थोड़ा छोटा है तो 1 लीटर नहीं है, तो ये मैं थोड़ा सा और इसमें डालूंगी। इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया है। अब यही लिक्विड फर्टिलाइजर मैं अपने इन गमलों में एक एक मग डाल दूंगी। देखिए एक मग में इसमें इस तरह से डाल दूंगी। अब देखिएगा इसको 1 हफ्ते 10 दिन में मेहों की ग्रोथ इतनी होगी, इतनी फ्लावरिंग होगी, मेरा गार्डन फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने गुड़हल के प्लांट में कौन सा काम करें कि हमारे भर भर के फूल आएं, वही काम मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो फ्रेंड मेरे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।